तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फूड चैलेंज करने वाले हैं। सो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्दी या फिर जो घर में अवेलेबल है ऐसी चीज़ें ही खाऊँ। सो अभी सुबह के 9 बजे है और मैं आज काफ़ी जल्दी उठी हूँ बिकॉज शूटिंग और एडिटिंग के चक्कर में मैं काफ़ी लेट सोती हूँ। लाइक मैं सुबह 4 या 5 बजे सोती हूँ। सो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर हमारा A to Z फूड चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं। और लिस्ट यहाँ पर मेरे पास रेडी है, बस 1-2 चीज़ें लेने के लिए मुझे नीचे शॉप में जाना पड़ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यस गाइस, आई एम डन विथ माई मॉर्निंग रिचुअल, लाइक माई मॉर्निंग्स के लिए रूटीन एंड एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंज। सो ए से आई एम गोइंग टू ट्राई आलमंड्स। सो यहाँ पे मैंने 4 सोक्ड आलमंड्स लिए हैं, यू कैन सी। तो ए से आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हो। इसे एप्पल है, एप्पल साइडर विनेगर है, बट यहाँ पे आई एम गोना हैव आलमंड्स। सो या ए से आलमंड हमने खा लिया है। नाउ लेट्स मूव टू बी। अच्छे बी से हम क्या खा सकते हैं? सो बी से आई एम गोना हैव बनाना। सी से यहाँ पे मैंने लिया है कैश्यू, सब देख सकते हैं, यू कैन सी। सी से और क्या खा सकते हो आप? पता नहीं, मेरे तो दिमाग में कैश्यूज ही आए। सी से पता नहीं, अगर आपको कुछ याद आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बारी है डी ट्राई करने की। सो डी के लिए मैंने यहाँ पे डेट्स लिया है। आई एम गोना हैव दिस। आज सुबह सुबह मेरा दिन, आज मैंने ड्राई फ्रूट से स्टार्ट किया ऐसा लग रहा है। या डी से डेट्स। सो ई से नाउ वी गोना हैव एग। चलिए फटाफट बनाते हैं और फिर खाते हैं। यहाँ पे अभी रेडी है, लेट्स ईट इट। काफी दिनों के बाद मैं ऑमलेट खा रही हूँ। डन विद द लेटर ई। सो मेरा ट्रस्ट में पेट ऑलरेडी भर गया। मुझे नहीं लगता कि ई के बाद तुरंत मैं F वाला फूड खा पाऊँगी। सो फिर देन मैं मेरा बाकी का काम करती हूँ। सर एक बात, एंड मेरा जो भी बाकी का काम है आई जस्ट डू इट। और फिर हम F लेटर के लिए मिलते हैं दोपहर को लंच टाइम में। क्या खाऊँगी वो तो मैं तभी बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। हेलो, वेलकम बैक। सो अभी लंच टाइम हुआ है और दोपहर के 1:45 बजे है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ट्राई लेटर एफ। सो एफ से मैं फ्राइड फिश ट्राई करने जा रही हूँ। सो या आई हैव अ फ्राइड फिश ओवर हियर, इट्स प्रॉन्स एक्चुअली। हाँ बहुत गर्म है। अमेजिंग, आई लव प्रॉन्स। सो या हमने ए से एफ तक चीज़ें कंप्लीट कर दी है। सो एफ़ के बाद जो भी चीज़ें अभी आएंगी, एक दो चीज़ें वो अतरंगी होने वाले हैं। सो मैं लंच के बाद ही वो सारी चीज़ें ट्राई करूँगी। तो बेसिकली शाम के 5:45 बजे है, आई एम सुपर लेट। तो चलिए फटाफट जी लेटर से देखते हैं हम लोग क्या ट्राई करने जा रहे हैं। तो जी से मैं ट्राई करने जा रही हूँ जिंजर। वैसे तो आप गुआवा भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे मिला नहीं, तो आई एम गोना ट्राई जिंजर। सो जिंजर खाने के बाद अभी मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। सो एच से आई एम गोइंग टू ट्राई हनी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हनी ट्राई कर रही हूँ, देख सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ओके तो एच के बाद अब बारी है आई की। ऑब्वियसली आई से आई एम गोइंग टू ट्राई आइसक्रीम, बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था मैं ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम हेल्दी चीज़ें मैं ट्राई करूँ। अभी मैं यहाँ पे जो आइसक्रीम खाने जा रहे हो, ये मेरी बहन ने बनाया है। इट्स अ होममेड आइसक्रीम, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, आई थिंक उसने ये व्हीट फ्लावर से कुछ आइसक्रीम बनाया है। इट्स अ हेल्दी वन, सो लेट्स ट्राई। अमेजिंग। अब बारी है लेटर जे ट्राई करने की। सो जे से आई एम गोइंग टू ट्राई जागरी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है, ये एक्चुअली ज़्यादा है, मैं इतना नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा, एक तो सा बस है। ओह माय गॉड, काफ़ी मीठा खा लिया। की बारी है एंड के से आई एम गोना हैव केलॉग्स, ये वाला विच इज़ फ्रूट एंड नट। ये मैं थोड़ा सा ही ट्राई करूँगी। इसमें भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। सुबह से दिन की शुरुआत ही आज मैंने ड्राई फ्रूट से की है। के तक हमारा हो गया है चैलेंज, तो अब बारी है एल की। सो एल से आई एम गोइंग टू ट्राई लेमन। सो डोंट वरी, जो टिपिकल लोग लेमन खा के जो मुंह बनाते हैं, वैसा मुंह देखने को नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज मुझे लेमन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आराम से बिना कुछ एक्सप्रेशन बनाए मैं नींबू को खा सकती हूँ। अमेजिंग। मैं नींबू को ऐसे ही चबा के खा सकती हूँ। आई लव लेमन। मैंने छिलके के साथ ही खा लिया। बहुत नींबू पसंद है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। मैं वेजिटेरियन खाने के साथ नींबू खा सकती हूँ, नॉन वेजिटेरियन इट्स मस्ट। ओह माय गॉड, अभी जस्ट हमने एल से लेमन ट्राई किया है, और उसके बाद तुरंत ही हमसे हम गोना ट्राई मिल्क। तो यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, यू कैन सी। गुड। फाइनली हमने ए से एम तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है एन की। तो एन से मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ट्राई किया जाए, लाइक कॉफ़ी। ओ गॉड, आज लिटरली पेट ख़राब होने ही वाला है, बिकॉज़ काफ़ी सारी उटपटांग चीज़ें ट्राई कर ली है, करना बाकी है। लेट्स सी, चलिए कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। तो अभी बजे है शाम के 6:45। एन से हमारी नेस्ले कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है। सो इसे पीते हैं अभी। तो अब हम लेटर ओ पे पहुँचे हैं, और ओ से हम बनाने जा रहे हैं ओट्स। सो या अभी हमारा मसाला ओट्स रेडी है। अच्छा, यू कैन सी। चलिए टेस्ट करके इसे। तो बेसिकली आज फ्राइडे है, 4 सितंबर है, और कल सैटरडे संकष्टी है, और संकष्टी मेरा फास्ट रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं, ताकि अगर पेट ख़राब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो कल कुछ ज़्यादा खाना नहीं रहेगा, यू नो। ठीक है, इसलिए मैंने आज का दिन चुना। तो कल तो कुछ खाना है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं इसलिए ठूस रही हूँ। आई एम फुल बट आई हैव टू फिनिश दिस। सो अब आ रही है लेटर पी से कुछ खाने की। सो पी से आई एम गोना ट्राई पीनट्स। पीनट्स हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस है। टू वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंकिंग, मतलब क्यों से क्या खाना है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को याद आया कि क्विकर ओट्स, यस अगेन ओट्स। कैन दिस स्वेट मैन, शिट क्या गर्मी है। और बहुत मीठा हो गया कि मैं कल हालत ख़राब होने वाली हूँ मेरी, खा के पसीना निकल गया। एनीवेज बट इंटरेस्टिंग है वैसे ये चैलेंज, आई एम एंजॉइंग इट। सब बारी है आर से कुछ खाने की। पे आई एम गोइंग टू ट्राई राइस। सो सूखा राइस खा रही हूँ मैं, आप थोड़ा सा एक चम्मच। सो यस अभी हम एस तक पहुँच गए हैं। सो एस से हम सूप ट्राई करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेटर टी है। सो टी से आई एम गोइंग टू ट्राई टैन। यू से हम खाएंगे उपमा। यस, सो यहाँ पे मैंने डिश में उपमा लिया है। सो ट्राई इट। बहुत डिलीशियस बना। रात के 7:45 बजे और अभी मैं उपमा खा रही हूँ। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ जा। सो द नेक्स्ट इज वी, लेटर वी। सी वी का हमारे, तो मैं एक ही बिस्किट खाऊंगी इसका। हियर वी गो। सो डब्ल्यू से आई एम गोइंग टू ट्राई वॉलनट। आज काफ़ी ड्राई फ्रूट्स खा लिया वैसे मैंने। सो या हियर वी गो विद द वॉलनट्स। So let's move ahead with X letter. X तो भयंकर डिफिकल्ट था। मैंने घर में सबका दिमाग खाया कि X से क्या खा सकते हैं। मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों ने X से वाटरमेलन खाया, बिकॉज वाटरमेलन को किसी और लैंग्वेज में जो भी नाम है वो X है। तो मैंने भी वैसे ही कुछ जुगाड़ किया। सो X से आई एम गोइंग टू ट्राई जिंग, जिसको इंग्लिश में एप्रिकॉट बोलते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, again a dry fruit, can't help. Anyways, let's try this. तो फाइनली चैलेंज ख़त्म करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, लाइक यू नो आखिरी पड़ाव काइंड ऑफ स्टफ। सो या अभी जो हम लेटर ट्राई करने वाले हैं दैट इज़ वाई। सो मैंने देखा कि यूजुअली काफ़ी सारे लोग वाई से योगर्ट ट्राई करते हैं, बट मैंने कभी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं खाई है, दही, योगर्ट, बटर मिल्क एंड ऑल दैट। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या खाऊँ वाई से। फिर मेरे को याद आया यस आई कैन हैव यिप्पी मैगी, बट वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है फ़िलहाल, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी कुछ खा लिया है। 2 बार ओट्स खा लिया है, सूप पी लिया है, काफ़ी मेरा पेट भर गया अभी। बट एनी वेज आई हैव टू डू इट। सो यार चलो यिप्पी मैगी बनाते हैं और खाते हैं। हमारी यिप्पी मैगी रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इसको खाते हैं। फाइनली हम Z तक पहुंच गए हैं, तो Z से नाउ वी गोना ट्राई ज़ुकीनी। मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये, आई डोंट नो हाउ टू ईट दिस, बट या लेट्स, मैंने यहाँ पे कट किया है छोटा सा पीस, सो आई ट्राई। काफ़ी अजीब है इसका टेस्ट। और फाइनली बहुत मुश्किल था ये A to Z वाला अल्फाबेटिक ऑर्डर फूड चैलेंज, बट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और कोई चीटिंग नहीं की है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये चैलेंज देखने में। मेरी तो वाट लग गई है, मतलब मैंने जब दूसरों के वीडियोस देखे थे तो अरे यार हाँ चलो ये तो हो जाएगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग मेरा पसीना निकल गया। मैं कुछ भी खा रही हूँ मेरे को पसीना ही निकल रहा है, पता नहीं क्यों। कल तो मेरी बुरी हालत होने वाली है। जस्ट हैड बाथ, नाइट स्किन के रूटीन भी हो गया, वो काफ़ी थक गई हूँ, जस्ट नीड गुड स्लीप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इतना पसीना गवाए तो एक लाइक तो बनता है। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही और वीडियो के भी आप मज़े ले पाओ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे में कुछ ना कुछ अलग चैलेंजेस करती रहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो येस, टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।